press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है मैनेजर साहब। फिर मैनेजर साहब देख, दुनिया के सामने भले ही मैं तेरा मैनेजर हूं, लेकिन दोस्ती की दुनिया में मैं तेरे एहसानों का कर्जदार हूं। एक तो वैसे ही आते जाते सलाम करके दिल पे वार करता है, ऊपर से मैनेजर बुलाता है, चल बैठ बैठ। एक दरबान इसके अलावा और कर भी क्या सकता है साहब। अरे तुझे खबर भी है, तेरी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि उन दोनों। आप फिक्र मत कीजिए मैनेजर साहब, मैं अपनी बेटी के कदमों को रोक दूंगा। अरे पागल, नसीब ने नई करवट ली है, उन दोनों की मोहब्बत जल्द ही हमारी रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ये विधि का लेखा है जिसे ना तू बदल सकता है ना मैं। बोल बोल, तुझे रिश्ता मंजूर है? बोला कभी ये बैंक मैनेजर मेरे घर की रोटियों पे पलने वाला कुत्ता था, कुत्ता। आज मैं कुत्ते की तरह बैंक के दरवाजे पे खड़ा हूं, जब जब भी उसे सलाम करता हूं ना तो मेरे खून में चिंगारी सुलगने लगती है, जी चाहता है कि उसका गला घोट दूं। मगर अब तो तुम उसकी रिश्तेदार बनने वाले हो। रिश्ता तो मुझे मेरी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबियों से करना है, बैंक की तिजोरी की चाबियां। एक बार वो चाबियां मेरे हाथ लग जाए तब मैं किसी के हाथ नहीं लगने वाला। Yeah.
सदा सौभाग्यवती रहो। अरे भाभी, भाई साहब कहाँ गए? यही तो थे, यही कहीं होंगे। ये लो आ गया मैं। अरे कहाँ चले गए थे भाई? अरे भाई, लड़की का बाप हूँ, दहेज के रुपए गिनने गया था। अच्छा, तो मैं तुमसे दहेज लूंगा? लड़के का बाप हूँ, एक पैसा नहीं लूंगा। चलो बच्चों को आशीर्वाद दो। आओ बेटा, आओ। जीते रहो। शाबाश। भाभी, मुन्नी आज से हमारे घर की बहू हो गई। अब जब किशन बालिग होगा तब मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी को तुम्हारे घर से ले जाएगा। मैं उस दिन के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगी। अरे सकू भाई, सलाम सलाम सलाम। अरे वहाँ पीछे एक जानवर मरा पड़ा, तू यहाँ क्या करे? अच्छा जी, अत्ता भक्ति में। जा जा, देख देख देख। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, दो चार फोन आ चुके हैं बैंक से। हो गया, मौत का सामान तैयार। इसी में कि आप ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, वरना ये दरिंदे आपको जीने नहीं देंगे। कहीं भी किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, अपनी खातिर न सही, किशन की खातिर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, अपना ख्याल रखिए भाभी जी, चिट्ठी लिखिएगा। जाओ बेटा जाओ। सावित्री बहन कहाँ है? पिताजी, मुन्ना कहाँ है? बेटी, वो लोग चोर थे, इसलिए उन्हें यह शहर छोड़कर भागना पड़ा। अब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, भूल जाओ। पिताजी, क्या किशन भी चोर है? हाँ, किशन भी चोर है। चोर का बेटा चोर, चोर का बेटा चोर, चोर का बेटा चोर, चोर का बेटा किशन। हालत में सब कुछ खत्म हो गया भाई साहब। नहीं सावित्री, तुम इस गांव की बेटी हो, सारा गांव तुम्हारे साथ है। आओ बेटे, आओ आओ। मुन्नी, मेरे खत का जवाब जरूर देना। ये अदालत कैलाश नाथ वंत बद्रीनाथ को बैंक के 50 लाख रुपए गबन करने के जुर्म में उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। डाक चाचा, मेरी चिट्ठी का जवाब आया? नहीं बेटा, वो लोग तो लापता हैं, उनका कोई जवाब नहीं। तुम्हारा खत वापस आया है। संदिल सनम, 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 सनम। बहनों और भाइयों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में साइकिल दौड़ होने जा रही है। ये एक अनोखी साइकिल दौड़ है जिसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए साइकिल सवार कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, पगडंडी, नदी नाले, मकसद सिर्फ एक है, विजय चिन्ह तक पहुंचना। पिछले 3 वर्षों से ये रेस
हमारे गांव का नौजवान जीतता चला आ रहा है। उस नौजवान का नाम है किशन। तो इस गांव की शान है, वो तो हर लड़की के दिल का अरमान है। वो तो मेरी रानी का राजा है, हमरा होने वाला दामाद है। हर साल ये रेस जीतता है। साला सचमुच अपने आप को किशन कन्या समझता है। सभी गोपियां इस पे मरती हैं। किशन भैया, किशन भैया, सुनो, आज इसे इस रेस में लुढ़का देते हैं। एक दो तीन। मैं चाहूंगा मेरी जीत का इनाम मेरी मां के स्वीकार करें। मेरी
ये क्या माँ, तेरे पलकों पे ये मोती किस लिए? काश आज ये दिन देखने के लिए तेरे पिताजी जिंदा होते। किसका इंतजार कर रहे हो कैलाशनाथ? हालात की आंधी में बिछड़े हुए अपनों का, जिनके मिल जाने का यकीन आज भी दिल में जिंदा है। भाई साहब, यहाँ सावित्री देवी रहती हैं। अरे साहब, मैं इतने बरसों से रहता है, इतने कोई सावित्री होती नहीं रहती। और जाओ ना अपना काम करो जाके। लेकिन भाई साहब, साहब आप, साहब सक्कू भाई, मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब कहाँ है? साहब, मेरे दिल के ऊपर बरसों से एक बोझ था, मैं मरने के पहले वो उतार देगी साहब। मैं आज उन तक डर के मारे किसी को कुछ भी नहीं बोली साहब, पर आज तुम्हारा सबसे सौंदर उसी साहब, वो जो आपका दोस्त, वो जो बैंक में वॉचमैन होता, वो आला होता, हमको झूठ बोल के बंगले के पीछे जाने को बोला। हम जाते जाते ऐसे छोड़ के देखा साहब। पर मैं आपको एक बात बोलती, आपको मारने की कोशिश करने वाला आपका वही दोस्त है साहब। नहीं। हाँ साहब, मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तिनके की तरह बिखेर कर रख दूंगा तेरी दुनिया को, तेरे परिवार को। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्वागत समारोह उस हस्ती के लिए रखा गया है जो लंदन में एक कामयाब बिजनेसमैन थे और आज हमारे शहर के मेयर चुने गए हैं। मैं श्री शंकर दयाल खुराना को इस मौके पर बधाई देता हूं। ये ले मां, प्रसाद। ये तो भाई साहब की तस्वीर है। अरे हाँ, ये तो मुनि के पिताजी हैं। जरा पढ़ तो क्या लिखा है। शंकर दयाल रायगढ़ के नए मेयर चुने गए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तू मुझे खुश देखना चाहता है ना, तो जा शहर से मेरी बहू ले आ, इस घर की अमानत ले आ। मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? हाँ माँ, आज जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे जरूर लेके आऊंगा। मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा माँ। जीते रहो बेटे, शारदा भाभी और भाई साहब को मेरा नमस्ते कहना। हाँ, और ये लड्डू देना, बिल्कुल भूलना नहीं। हाँ, और अपना ख्याल रखना। माँ तू अपना ख्याल रखना। अरे तू मेरी फिक्र छोड़, अपना ख्याल रख। चल चल। अच्छा, मैं जाता हूँ माँ। अरे आई मौजी, अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए जो गाँव की हरियाली छोड़कर शहर जा रहे हैं घास काटने। तुम ही बताओ बहन, हमारी बिटिया में क्या कमी है? मौसी, तुम्हारी बिटिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी घंटी नहीं बजती ना। अरे बज गई घंटी। मेरी नहीं बजती। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुक जा। मुन्नी, अब तुम्हारा मुन्ना जवान हो चुका है। बिल्कुल बदल चुका हूँ, हैंडसम हो गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है तुम नहीं बदली होगी। बास्टर्ड। बंद करो ये शादी। मैडम, ये क्या कर रही हो? ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं आपकी इज्जत को ही बचाने के लिए आई हूं अंकल। ये क्या बदतमीजी है? अरे आओ, अरे
हरे रामा हरे कृष्णा, मैं तो हूँ प्रेम पुजारी, ज्वेल थीफ नहीं। जो आपने मुझे एक गैम्बलर समझकर मेरे नाम का वारंट निकाल दिया है, ना तो मैं जॉनी मेरा नाम हूँ और ना ही छुपा रुस्तम। मैं तो हूँ बम्बई का बाबू, अमर नाम है मेरा, अमर अमरावती वाला। शट अप अंकल, ना तो ये अमरावती का कोई जमींदार है, ना ही इसकी कोई जागीर है। ये आपको धोखा देकर आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बिल्कुल ठीक, हमारा मेम साहब एकदम सच्ची बोलता है। हाँ, ये अच्छा हो गया कि हमने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया, नहीं तो ये दूल्हा, ये मोची का बच्चा तुम्हारे मुंह पे बदनामी का ऐसा कालिक लगाता कि जूता में मुंह देखने के भी तुम काबिल नहीं रहता। बेटी, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? ये अमर है, एक मोची, और ये अकबर है, एक दांगे वाला, और ये एंटोनी, एक मैकेनिक, और तुम कौन? मैं मनमोहन हूँ, एक दूध वाला। ये चारों कंगाल अमेरिका ढोंग रचाकर मेरी सहेली को फंसाना चाहते हैं। सनम बेटी, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। ये गरीब होते ही ये मक्खियों की तरह जहाँ दौलत का शहद देखा आ जाते फिन मिलाते हुए। अंजर पंजर नीले हो गए भैया, तबला सारंगी बज गई। इश्क 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 में इस मोटे गाय की गड़बड़ से ये सारी हड्डियां कड़ कड़ कर रही हैं। ऊपर से खड़की, हाथ से निकल गई लड़की। जब तक ये सनम नाम का काटा है, अपनी जिंदगी में काटा ही काटा है। ए मान, लगता है हम लोग जिंदगी भर कवारे रह जाएंगे। बोलता है, अरे रामा हरे कृष्णा, अरे रामा हरे कृष्णा, सच्चे का बोल भाला है, झूठे का मुख काला है। करवा दे हमारी लव मैरिज है, और बेस दे कोई अमीर और गरीब के लड़ाई को लड़ने वाला गैम्बलर, जो बना दे हम चारों का लश्कर। भाई साहब, ये मेयर साहब का बंगला किधर है? आपको किससे मिलना है? मुन्नी से। मुन्नी? मेरा मतलब सनम। सनम नहीं, एटम बम बोलो, मिसाइल बोलो, तलवार बोलो, अरे वर्ल्ड वॉर बोलो मैन। हाथ घुमा के मारूंगा कि सारे दांत मकई के दाने की तरह बिखर जाएंगे। तुम जानते मैं कौन हूँ? इंसान तो लगती नहीं हो, खानदानी हो नहीं सकती, देखने में हो नगीना लेकिन असल में हो नमूना। मैं तुम्हारी तजरबेगी। गांव में बहुत सारे पागल सांडो को ठीक किया है, तू किस खेत की मूली है? चल फट। बास्टर्ड। क्या क्या बोली? कस्टर्ड। मैं तुम्हें देख लूंगी। अरे जा जा जा, देख लूंगी। अरे अब तो हम जा रहे हमारी मुनिया को देखने। क्या? वेलकम वेलकम प्रिंस। बताओ। ऑफ लखनपुर। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? ये तो सगुन है, हम तो आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे। वेल, हमें तो रिश्ता मंजूर है प्रिंस, लेकिन हम अपनी बेटी के बारे में आपको कुछ बता देना चाहते हैं। हमारी बेटी दो धारी तलवार है। ताज तो नहीं है उसके सर पे, मगर इस इलाके में राज है उसका। राज तो हम उसे कराएंगे, लखनपुर की राजकुमारी बना। भाई सोच लो प्रिंस, हमारी बेटी शेरनी है। शेरनी? हम भी कुत्ते नहीं, बताओ। शेर पालते हैं। और बताओ। जंगल में जाकर चीतों से पंजा लड़ाते हैं। वेरी इंप्रेसिव। और बताओ। हाथियों से कुश्ती लड़ते हैं, खतरनाक बिल्ली को चूहा बना के खुद बिल में घुस जाते हैं।
और मत बताओ। मेयर साहब। मामा। अरे तुमको बताने वाला आता है जी। तुम शेर के कान में उंगली डालता है, तुम चित्ता के पेट में कुदूली करता है, तुम बिल्ली को चूहा बनाता है और चूहा के बिल में खुद घुस जाता है, लेकिन लेकिन हमारा मैम साहब आपका एरिया का वाट लगाता है। वाट 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 नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ बेटी, मेरी गुड़िया को किसने सताया? हाँ आई वॉन्ट हिज हेड, मुझे उसका सर चाहिए। रिलैक्स बेटी, रिलैक्स बेटी, ये तुम्हारा होने वाला मंगेतर है। मंगेतर? माय फ्रेंड, मुझे मंगेतर नहीं किलर चाहिए। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी, जान दे सकता हूँ। किसी की जान ले सकते हो? नो नो नो, उस कमीने का सर काट के इस थाल में सजा कर मेरे सामने ला सकते हो? नो 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 नो, नहीं। देन गो टू हेल। मुर्गना कैसी लगी? क्या है जी? वो मैकेनिक अभी तो क्यों नहीं आया? अयो बिजली की मापक कड़को मत, आग की मापी भड़को मत, मैं अभी कोड़े की मापी जाता है और सांड की मापी कोड़े के लोग मैकेनिक को लेके आता है। तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों डरे उसको, क्यों डरे? अरे मैकेनिक कह रहे वो अंदर आने दो उसको। वांगो 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 तम्बी इंगे हो रहा है। मैकेनिक तुम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ तीखी मिर्ची, अरे लग गया तो कट गया, तो कट गया तो मर गया, तो दफा 302 के तहत सजाए मौत। अब बहुत हो गया, मैं भी बहुत सर फिरा हूँ। ये ऐसा हाथ मारवा के नाक नागपुर कान कान पूरा जबड़ा जबलपुर हो जाएगा। अरे अरे मौसी, ये क्या हो रहा है? मौसी आइए, मौसी बचाओ। अरे मौसी, मैं सावित्री देवी का बेसन का लड्डू। अरे क्या मेरा मतलब है किशन। लेकिन ये कौन सा स्टेशन? ये मुन्नी है। हाँ मुन्नी। मुन्नी बेटी, ये मुन्ना है। चोर का बेटा, चोर। मुन्नी छोड़ दो, तुम लोग बैठो, मैं भगवान के सामने माथा टेक कराती हूँ। सिर्फ माँ को ही नहीं, मुझे भी पूरा यकीन था कि तुम एक दिन सर उड़ाओगे। सच? हाँ, मैं गरीबों की फितरत को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम यहाँ जरूरत के नाम पे रुपयों की भीख मांगने आए हो या अपनी गरीबी की चादर फैलाकर हमारी इज्जत का सदका? बोलो क्या चाहिए? मैं यहाँ रिश्तों का कर्ज वसूल करने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी अमानत लेने आया हूँ। अमानत? हाँ सनम, 12 साल पहले जिस लड़की के साथ अग्नि के फेरे लिए थे, सारे गांव सारे समाज के सामने जिसकी मांग में सिंदूर भरा था, आज उसी लड़की को अपनी माँ का दिया मंगलसूत्र पहनाकर अपने साथ ले जाने आया हूँ। बहुत खूब। बरसों पहले बाप ने बैंक डकैती की थी और आज बेटा शादी के नाम पर मेरे बाप की दौलत पर डाका डाले आया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्या समझते हो, बचपन में की गई गुड्डा गुड्डी के खेल को मैं सचमुच शादी समझ लूंगी? रस्म के नाम पे की गई जहालत को मैं हकीकत समझ लूंगी, जिसे मैं तो क्या कानून भी नहीं मानता? नाउ गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो सनम, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं उसकी बहू को साथ लेकर आऊंगा। तो ये 2 पैसे की माला किसी जाहिल गवार लड़के के गले में डाल के ले जाओ, जो जिंदगी भर गरीबी के खूंटे से बंधी रहे और गृहस्थी की चक्की में पिसती रहे। संदिल सनम, कहां हो नहीं। मुन्नी बदल चुकी, वो तेरी बहू बनने के लायक नहीं है। अरे भाई, बहुत जोरदार किस्मत वाले हो जो शेरनी की खचार से जिंदा लौटा है। मैं तो वापस गांव जा रहा हूँ। मैन, अगर तुम वापस गांव चला गया ना तो आप उन सब लोग कुहारा मर जाएगा क्या? याद रखो, लव मैरिज करने वाला ही हमें चावल न मारता है, इसलिए तुम माओ बच्चे देश से प्रदेश जाने का वारंट मत निकालो। मेरी बात मानो, देवदास नहीं चवि कपूर बन जाओ। या तुम हमारा साथ चलो। अरे उसको पढ़ाने में हम तेरी मदद करेंगे यार, चल आजा। चलो, 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 काम। जासीरी माँ फरियाद, जाहिर माँ फकीर। अरे फकीर नहीं, राजा राजा। अरे यार क्या
शोर सुना तूने? लोग कहते हैं कि घंटियों की आवाज सुनकर तू जाग जाता है। अगर ये सच है तो मेरे दिल की आवाज सुन, जो मुझे तेरी चौखट तक खींच लाई है। कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने, लेकिन ना अपने परिवार को तलाश कर सका और ना ही अपने दुश्मन को। एक तू ही है भगवान, जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मेरी मदद कर भगवान, नहीं तो मैं तेरी चौखट पर दम तोड़ दूंगा। मैं तेरी चौखट पर दम तोड़ दूंगा भगवान। बाजू हटने करके टैंक फुल करना जी, फुल फुल। मद्रास जाएगा क्या? अरे मद्रास जाके क्या करेगा, प्रिंस के पास जाता। प्रिंस? सनम का नसीब जागा जी। क्या फिट तो फिट जोड़ी मिला जी। जोड़ी कौन है? ज्वेल थीफ चुपा रुस्तम, जो हमारे किशन के जाने मन को अमर दीप बनाकर गाइड कर रहा है। ए, देखो हम ये गाड़ी में आगे आगे गोल्डन बीच जाता और हमारा मेम साहब मंगेतर के साथ अकेला दूसरा गाड़ी में पिच्चू पिच्चू आता। हम जाता वो मंगेतर के साथ पिच्चू पिच्चू आता। हम जाता। ये लो चाबी। ये किसका चाबी? अयो मेरा चाबी। 125 रुपया चाबी का। और अयो पेट्रोल का। ये लो 200 रुपया, आपस में चिल्लर बांट लेना। तुमने पुकारा हम चले अपने प्रिंस यानी कि अपने मंगेतर के साथ पिकनिक पर जा रही है। अगर उस मंगेतर को चुचुंदर ना बना दी तो मेरा भी नाम किशन। गाड़ी मिलेंगी क्या? आप उनके पास है एक फैंटास्टिक अंग्रेजी गाड़ी, दुनिया का 8वां अजूबा, आवाज पे चलती है। लेट्स गो। आया क्या गाड़ी है यार। आई लव यू। अबे शट अप। देख बंद हो गई ना ये गाड़ी, सिर्फ आई लव यू। देख चालू हो गई ना, अभी तूने जो बोला था ना वो बोलेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। क्या? शट अप। ये देख बंद हो गई ना। आई लव यू यार। शट अप। उस मंगेतर को मैं चुचुंदर बना दूंगा। फॉर्मूला नंबर 1, प्रिंस की हवा निकालो। 1, 2। कम नियर माय डियर। हवा किसे निकाली? व्हाट? इश्क में तो मजनू रेगिस्तान में चला था, मैं तो डामर के रास्ते पे चल रहा हूं। Idiot. घटा ने तो चर्बी घटा दी, गर्मी ने तो वाट लगा दी। लगता है इंडिया में अफ्रीका आ गया है। गाड़ी गाड़ी ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। धक्का मार मार के मुंह पीला और पैंट गीली हो गई। कौन है भाई? कहाँ है भाई? किधर हो भाई? कहाँ हो? एनीबडी हियर? माय डियर तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अजी हीर जहाँ राजा वहाँ। यू आर राइट। श्री जहाँ फरहाद वहाँ। ऑल राइट। लैला जहाँ मजनू। ऑल राइट। हूर जहाँ लंगूर। ओ यू फंटास्टिक फंटास्टिक। गरानी गाड़ी, हमको ये गाड़ी मांगता है। क्यों आप आसमान से टपके हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो जमीन में अटके हैं, धक्का मार मार के फट गए हैं। हमको ये गाड़ी मांगता है। देखो मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे अगले मोड़ तक लिफ्ट चाहिए। हाय कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। चलिए मैंने आपको लिफ्ट दी, लेकिन मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? मेरी गाड़ी है 2 सीटर, इसका मतलब आप दोनों में से सिर्फ एक चल सकता है मेरे साथ। ओह नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सनम तुम यहीं खड़ी रहो, मैं इसके साथ टाउन जाकर मैकेनिक लेके आता हूँ। व्हाट? ओह डोंट वरी डोंट वरी, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, तुम इसके साथ टाउन जाकर मैकेनिक लेके आओ। यस। मर गए। ए मिस्टर, सनम मेरी मंगेतर है, आंख लड़ाएगा आंख फोड़ देगा, हाथ लगाएगा हाथ काट देगा, टांग लड़ाएगा टांग काट देगा। हम तलवारबाजी में बहुत एक्सपर्ट है, जरा भी तुमने लफड़ा किया हम तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, चील कौवे को खिला देगा, समझे?
अरे साहब, आप चील कौवे को क्यों दावत देते? चलिए मैं आपको और आपकी गाड़ी को लिफ्ट दे देता हूँ। हाथ में लीजिए। ओके सर। I love you. I said shut up. Sadhaka. मैडम आप तो चलती हुई गाड़ी को रोक देती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक आप इस माइक में वो नहीं कहेंगी जो मैं कह रहा हूँ तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये गाड़ी चाबी से नहीं मोहब्बत की आवाज से चलती है। कहिए ना। My God. छुपी है हवाओं में, फूलों का है आशियां, ना जाने क्या होने वाला है, मौसम का दिल है जवान। खुशबू छुपी है हवाओं में, फूलों का है समा, दिल से जो दिल मिला बन गई।
सितम संग दिल सनम लाइफ बन जाएगी बाय गॉड। अच्छा कहाँ के प्रिंस तो तुम? यही का, तुम्हारे दिल के करीब का, तुम्हारे धड़कनों के नजदीक का। ठहरो, मैं अभी असली प्रिंस को लेके आती हूँ। सनम कहाँ जा रही हो? अरे जल गई जल गई जल गई, आप लोगों ने मेरी तारीफ की ना इसलिए जल गई। लड़कियों में यही तो खराबी होती है, चलो चले। हाँ चलिए ना। हाँ चलो। सनम मेरी सनम, तू उल्टी क्यों नजर आ रही है? आए आए कमर और क्यों? किल मी व्हाई? तुम्हारी मंगेतर को उसे छुआ छेड़ा क्यों हुआ? और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जस्ट वेट वेट, मेरी गैरत को मत ललकारो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? मेरी सहेलियों के साथ। सहेलियों के साथ मुझे पेड़ पे उल्टा लटकाकर हुसैन के अखाड़े में ऐश कर रहा है। मैं उसकी नाल बंदी कर दूंगा। I will kill him. वो देखो सामने गुलछरे उड़ा रहा है। आई देखो सनम, किसी बैंड मास्टर को लेके आई मुझे जलाने के लिए। हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम उसका गर्दन उड़ा देगा। जापानी लो बिजी यला गो एंड किल हिम। ओ यस। अरे डेंजरस, बंदर के हाथ में उस तरह तलवार की नोक गर्दन पे है और गोलाई पे। यस बैंड मास्टर, हम तुम्हारा ये अंदर घुसा देगा। अरे भाई सीख कबाब समझा है क्या? एक औरत के लिए मर्द मर्द को मारेगा? अरे ये औरत जाति ऐसी होती है, आज वो तेरे को पुच्छ लड़ा देंगी,
कल वो तेरे को सारी जनता से लड़ा देंगी। तू लड़ लड़के फट फटा कर थक थका कर फटे हुए तकी की तरह फट फटा जाएगा। एंड देन एंड इवन देन आई विल किल यू। मैं सनम के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अबे तेरे को सनम चाहिए तो भाई की नहीं बोला जा। मां बदौलत ने तुझे सनम दान में दी। जा पुत्र मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जावे सनम He's a nice man. What? उसने तुम्हें हमें दान में दे दिया। Shut up! क्या मैं उसके बाप की जागीर हूँ? Right now you just go and kill him. अभी जाके उसे खत्म करो समझे? Attack! Fight करो। नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे लड़ेगा। लेकिन पहले एक promise करो। What what? कि अगर हम जीतेगा, तो हम सनम का चुम्मी लेगा। हमारे मिस का किस लेगा? हमें मंजूर नहीं। मुझे मंजूर है। मर गया। ब्रावो प्रिंस, ब्रावो। ये ले गोलाई प्रिंस। अगर मरना ही है तो क्यों ना हम आपके बाहों में मरे। बदमाश प्रिंस जल्दी आओ, मैंने उसे पकड़ लिया है। अबे व्हाट व्हाट शर्म नहीं आती गंदी चड्डी पहनकर लड़की के सामने आता है? कट जाएगा कट जाएगा। ये देखो प्रिंस की फटी हुई चड्डी। ओह यस डोंट लुक डोंट लुक। मिस बाजी तो मैंने जीत ली, अब मेरी चुम्मी का क्या होगा? नहीं शर्म तू चुम्मा मत देना। डोंट कम नियर मी। अरे कुट्टे ताली पाटलाची पोरगी देवटा देवटा तोंडा मधी काय ए चुम्मा आई चप्पत तोड़ा नाई सोना ए चुम्मा। सनम भाग जाओ भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा भी पैंट उतार देगा। अगर भाई लाजुलको 24 घंटे में 24 चुम्मा नहीं लिया ना तो मेरा भी नाम चुम्मा खान नहीं। 24 घंटे में 24 चुम्मा? आयो तुम क्या समझते मैं उस लफंगी के डर से पिकनिक नहीं जाऊंगी? क्या बात कर रहे हैं जी, वो एक नंबर का आरामी आदमी है। आप सिंगल डेकर में जाएगी, वो आपको डबल डेकर में भेज देगा। नॉनसेंस, मैं जाऊंगी और पूरे गैंग के साथ जाऊंगी। अयो लड़कियों तुम लोग अपने साथ हॉकी स्टिक बैट डंडा कुछ भी अपने साथ ले लो, आज उन कमीनों को सबक सिखाना है। एक मिनट, ये बंदूक भी साथ में लेके जाना आपका इज्जत के हिफाजत के वास्ते। पकड़ के रहना। अयो छोड़ जहर मिले जहर। तूने 24 घंटे में 24 चुम्मा लेने का जो रॉकेट छोड़ा है ना, हमारे ऊपर अमेरिकन मिसाइल बन कर आ रहा है। लेडीज गैंग आ रहा है मैन, लेडीज गैंग स्टम्प बैट बंदूक नहीं मालूम क्या क्या लेकर। अरे पांच को मारने 25 आ रहे हैं, पूरे 25। हम नहीं तीर से तलवार से डरने वाले, हम तो है इश्क के नाम पे मरने वाले। अगर वहां से लड़कियों की गैंग आएगी तो यहाँ से लड़कों की गैंग जाएगी। लेकिन इधर गैंग है किधर? ये कैंटीन अपनी। हाँ। ये वेटर अपना। हाँ। ये कस्टमर अपने। हाँ। ये मैनेजर अपना। हाँ। ये कुक अपना। हाँ। हो गई गैंग। हाँ। चलो हाँ।
बास्टर्ड्स, अगर उनमें से एक भी दिखाना तुम लोगों को तो मुझे बताना, मैं उनको गोली से भूंदूंगी, ठीक है? Come on, let's go. Give me a kiss.
है ड्रेसी पैटर्न। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, किसकी मौत आई जो शेर खान की याद आई? वो लड़का एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, उसको सबक सिखा रहे खान साहब। ओए बीवी जी, उसको ऐसा सबक सिखाएगी कि उसका साथ पुश किताब को हाथ नहीं लगाएगी। पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकती, अपने बाप को भी मार सकती। ए, तुम मेड्रेस चलेगा क्या मेरे बाप को मारने का है? सारा मेरा हक्का प्रॉपर्टी का पूरा पैसा कहाँ गया? ओए शराब बालचंद्र, वो एक नंबर का लोफर है। ओए, वो लोफर को तुम एकदम जोकर बना देना जी। हम उसको मार मार कर दुम्बा बनाकर जाड़ पे उल्टा लटका देगी, लेकिन हमारा बॉडी तोड़ फोड़ का रेट मालूम हम बताएगी। हड्डी तोड़ फटका 1000 रूपए, तंगड़ी तोड़ झटका 2000 रूपए, नली तोड़ झटका 3000 रूपए, मुंडी तोड़ फटका 5000 रूपए, उठा के पटक बार बार झटक 6000 रूपए, अठक फटक लटक झटक 9000 रूपए, और एकदम खल्लास करने का 10000 रूपए। बोलो वो छोकरा क्या करती? करती नहीं रे, करता है। तुम इसको इतना मारना, तुम्हारा वो जितना हड्डी तोड़ा झटका, नली तोड़ा पटका, उठक बार बार पटक, ये सारा आइटम कटा 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 करके उसका अंचर पंचर ढिल्ला कर देना। अयो कितना लंबा बोला तक गया। देखो तुम उसको एकदम नामर्द बना देना, जिंदगी भर ताली बजाना जी। चुप है खंजीर की औलाद। मैं तुम्हें दुगना पैसा दे रही हूँ, लेकिन काम हो जाना चाहिए। कल ठीक 12 बजे उस शैतान को टेकरी वाले मंदिर पे भेज देना, हम उसका काम तमाम कर देगी। खुदा हाफिज। हाय सनम, कहिए। अटका झटका फटका, मेम साहब के दिल में खटा खटक खटा खटक खटा खटक खटका। ये चिट्ठी लाया जी, टाइम पे आना जी, मैं जाता जी, पकड़ जी। देखे तो सलीम और अनारकली का कहां मिलन होने वाला है? सुनो मत, सुनो मत, पढ़ो मत, ये खत नहीं टाइम बम है। हजारों बिच्छुओं का डंक है, लाखों सांपों का फल है, खतरनाक सनम है। जा ये खत उस प्रिंस तक पहुंचा, और फिर देख प्रिंस कहां पहुंचता है। ये उसने हमारी पैंट उतारी, हम उसकी चड्डी उतार देगा। सनम ने आपके लिए लव लेटर भेजा है। लेटर में बताओ हमारे लिए कितना लव भेजा है। डार्लिंग, तुम चांद हो, मैं चांद नहीं। और बताओ, अब ये रातें कटती नहीं, हम भी तो उल्लू की तरह जागते रहते हैं। कल दिन के ठीक 12 बजे टेकरी वाले मंदिर पे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आओगे ना? जरूर आएंगे, टेकरी वाले मंदिर में, मंदिर में। सनम डार्लिंग, वेयर आर यू? राम तेरी गंगा मैली, शी इज रेडी एंड वेटिंग, बट वेयर? पठान, खंजीर का बच्चा। अबे अमराज कौन हो तुम? शेर खान हमारा नाम है, डोंगरी पर हमारा दुकान है। अब तुम्हारा बॉडी तोड़ फोड़ का काम खल्लास हो गया, अब हम तुम्हारी मर्दानगी खल्लास करेगी। जिसके वास्ते सनम मेम साहब ने 20000 रुपया दिया। मैं तुझे 50000 दूंगा। ओए, हम धंधे में बेईमानी नहीं करती। 2 लाख जो भी काम हाथ में लेती पूरा करती। अब तुम तैयार हो जाओ कुत्ते का पिल्ला। अरे भाई 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मार डाला उसको उल्टा ने। पहले ईश फरमाती है, फिर मरवाती है। ऐसी जगह मरवाती है जाकर लाइसेंस भी नहीं है। डायन आ गई। अरे साला मुसीबत आ गई, मुसीबत।
ये सब कैसे हुआ? टेकड़ी वाले बंदर के बाद इसकी टोकरी उल्टी हो गई। मैं कुछ समझी नहीं। आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, आप वहीं खड़े रहिए। वहीं वहीं। डोंट मूव प्रिंस। अरे अरे प्रिंस, एक मिनट। तो वहीं खड़े रहो, मैं तो मैं खुद ही मार दूंगा। कॉकरोच? सारी कॉकरोच बोलती है। अरे अरे प्रिंस, कमर की हड्डी टूट गई। क्या किया तुमने? हमारी बिरादरी का फायदा हुआ हॉस्पिटल के पिछवाड़े। अरे हड्डी टूटी, मर्दान की बूटी, डाइन कहीं, चुड़ैल कहीं, अरे कहीं का ना छोड़ा, सबको नहीं घेरा। मुबारक हो, सुना है आपके मंगेतर साहब मैदान छोड़कर भाग गए? कहीं तुमने प्रिंस को तो नहीं भगाया है? जी हाँ, आपका प्रेम पत्र तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, लेकिन डिलीवरी थोड़ी सी गलत जगह हो गई। और वैसे भी भागता क्यों नहीं, क्योंकि इस मांग में सिंदूर डालने की कसम तो मैंने खाई थी। कसम तो मैंने भी खाई है तुम्हारी जिंदा चिता जलाने की, और उसी अग्नि पे किसी अमीर के साथ शादी करने की। समझे? वाह वाह वाह, क्या कंसेप्शन है, हमारी मौत पर तुम्हारी नई जिंदगी। जी हाँ। अजी छोड़िए ये मरने मारने की बातें, मंदिर वहाँ है, बंदा यहाँ है, सात चक्कर मार के क्यों ना कोई चक्कर वक्कर शुरू कर दे। डरी मेरी कबूतरी, इस लव स्टोरी में खलनायक की क्या जरूरत है? यू? फिर मिलेंगे। गुरूर और जिद तीनों से मिलके बनी है ये लड़की, मेयर की बेटी है ये, मेयर की। इसकी मंगनी किसी प्रिंस के साथ तय हुई थी जो अब टूट चुकी है, अब इसकी शादी सिर्फ तुम्हारे साथ होगी। जो आदमी अलग अलग शहरों में अलग अलग रूप भरकर 12 अमीरजादियों को फंसाकर उनकी दौलत हड़पकर उन्हें खत्म कर चुका हो, ऐसे फ्रॉड के साथ एक मेयर के लड़की की शादी? इम्पॉसिबल डैड, नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है बेटे। अरे बैंक का दरबान था तब से जानता हूँ उसे, पैसा उसका भगवान है भगवान, इसीलिए करोड़पति के घर अपनी बेटी को ब्याहने के लिए वो कभी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन डैड, करोड़पति का स्वांग रचने के लिए कम से कम लाखों तो होने चाहिए, और हमारे पास पैसा है कहाँ? इसकी फिक्र तुम मत करो, एक आदमी है जो हम पर दाव लगा सकता है। चमड़ा दादा, कमारे गोश्त और कच्चे चमड़े का व्यापारी, रंडिया नहीं, मैं अनछुई लड़कियां खरीदता और बेचता हूँ, इसलिए भड़वा नहीं बल्कि चमड़ा दादा कहलाता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा चमड़ा दादा, इसलिए तो सारे शहर का मक्खन उतार के आपके पास बेचने लाती हूँ। हर लड़की शबाब का खजाना है। वाकई बचपन को जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उठवा लिया है, चमड़े की टकसाले हैं ये सब की सब। लगता है जवानी की कढ़ाई आग पर तप रही है। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज, मैं शरीफ घर की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप रो रो के पागल हो जाएंगे। शेर की कछार में बकरी को चिल्लाने की इजाजत नहीं है, समझे? ले जाओ से और धंधे के लिए तैयार करो। आओ बधाइयों के लल्ला, आज कहाँ की लौंडिया बेचने लाए हो? कांच के टुकड़ों का व्यापार बहुत हो चुका चमड़ा दादा, आज हम आपके दरबार में एक अनमोल हीरा लेके आए हैं। कंकर पत्थर बेचने वाले आज हीरा कहाँ से ले आए? सांस लेता हुआ कोहिनूर है चमड़ा दादा, देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। वाह कसम, कयामत है कयामत, लगता है सारे जहां का हुस्न एक ही जिस्म में कैद कर दिया गया है। किस खान का हीरा है ये? इस शहर के मेयर की बेटी है ये। अच्छा डैडी, मुझे एक विलायती बिजनेसमैन की हैसियत से पेश करेंगे, इस झूठ को सच साबित करने के लिए आपको हम पर कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसमें मेरा फायदा?
सीधी सी बात है चमड़ा दादा, जो रकम आप इन हजार रंडियों से नहीं हासिल कर सकते, इस लौंडिया से हासिल कर सकते हैं। जैसे ही प्रदीप की शादी इसके साथ हुई, करोड़ों के मालिक होंगे हम, बांट लेंगे आपस में। क्यों, कैसा लगा प्लान? मामला धांसू है, मैं तुम लोगों पर माल लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? माल का बंटवारा तीन हिस्सों में होगा, लेकिन लौंडिया सिर्फ चमड़ा दादा की रखेल बनेगी। बोलो, मंजूर है? ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, अगर इसमें कुछ 19-20 हुई या तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की, तो जहां वो लौंडिया बंदी है वहां तुम दोनों बंदे होगे और हंटर मेरे हाथ में होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है, हमें मंजूर है। सनम किशन से जितनी नफरत करती है, किशन सनम से उतनी ही मोहब्बत करता है। हाँ अल्लाह, कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो मैं तो अपनी जान दे देती। लेकिन ये बात सनम को समझाए कौन, वो तो दिल को दौलत की तराजू में तौलती है। हमने कान से कुछ नहीं देखा, हमने आंख से कुछ नहीं सुना जी, हम जन्म से अंधा बहरा और गूंगा है जी, हमको कुछ नहीं देखा। अरे मारा नहीं जी, अरे मैं मारा नहीं, मुझे मेरे को अरे मारा नहीं जी। सब के सब मिली भगत है, लेकिन मैंने भी उस किशन के बच्चे को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम सनम नहीं। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बोलो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हें क्या तोहफा दिया जाए? ताजमहल? ताजमहल तो एक बेजान पत्थरों का मकबरा है, मैंने तो जीता जागता संगमरमर का एक मजस्मा देखा है, और वो है आपकी बेटी सनम। सनम? सनम से कब मिले तुम? जिन लोगों की हथेली के नीचे दुनिया रेंग रही हो, भला उनसे कोई बात कैसे छुप सकती है। हाँ लेकिन देखो मेयर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम किसी से हैसियत में कम नहीं। अभी अभी मेरे बेटे ने 25 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। हाँ हाँ गिला, अंडरस्टैंड, लेकिन ये शादी का मामला है, मुझे मेरी बेटी की राय तो लेनी पड़ेगी ना। मुझे मंजूर है। हाँ लेकिन मैंने कहा ना डरी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लिसन टू मी बेबी, लिसन टू मी। क्या बात है बेटी, कुछ डिस्टर्ब लगती है, उस हरामजादे किशन ने तो कुछ नहीं किया। उसी कमीने से इंतकाम लेना है मुझे। हाँ ऑलराइट, ठीक है। क्या इस मामले में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, ये मेरा जाती मामला है। रही बात सगाई की, तो वो मेरे तरीके से मेरी तारीख पे तय होगी। सनम कहाँ है? भगवान के पास। भगवान के पास? ऊपर नहीं जी, वो भगवान के चरणों में, वो किशन कन्हैया के मंदिर में। क्या मतलब? मतलब वो दिन भर किशन कन्हैया के मंदिर में बैठ के उसके नाम की माला जपते जी। सच? सच्चे? नफरत प्यार में बदल गया, नहीं रिवेंज स्टोरी लव स्टोरी में बदल गया। रियली? रियली? लेकिन वो किशन कन्हैया को मालूम ही नहीं है व्हाट इज राधा कंडीशन है। चलो चलो, ये खुशखबरी किशन को सुनाते हैं। जल्दी जल्दी जाओ, ये शीघ्रम है, शीघ्रम शीघ्रम। एक्टिंग कैसा टिक किया ना मैं, वो सब मेरे पास भेज दे तू, ताकि मैं उसके प्यार की अर्थी, प्यार की आरती उतार सकूं, उसे इतना प्यार दूं ताकि जन्म जन्म तक उसके होठों पर बस एक ही नाम रहे, सनम 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 सनम। किशन तो हर जन्म में सनम का ही सनम बनकर जन्म लेगा। किशन, ये मेरे तपस्या का फल है, यह मेरे प्यार का वरदान। ये तुम्हारी दुआओं का असर है जिसने हम दोनों को मिला दिया। अब तो मौत ही तुमको मुझसे अलग कर सकती है। नहीं मुन्नी, ऐसा मत कहो, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो खत्म कर दो ना ये दूरी, कब आओगे मेरी डोली लेकर? कल जब तुम्हें शहनाई की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि तुम्हारा किशन बारात लेकर आ रहा है। किशन डरी, कल आप मेरी शादी का ऐलान कर दीजिए।
ग्रेट, तुम्हारी सगाई के जश्न पर किसी की बर्बादी का मातम भी मनाया जाएगा। चीयर्स जेंटलमैन। चीयर्स। मैं अपनी बेटी की सगाई अपने अजीज दोस्त के बेटे प्रदीप के साथ तय करने जा रहा हूं, जिन्होंने अभी अभी विलायत से शहर में कदम रखा है और कामयाबी जिनके कदम चूम रही है। मुबारक हो यार, मुबारक हो। आज दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक। चल। मुबारक हो पार्टनर। थैंक यू पार्टनर। सनम, ये दमन साहब है, चमड़े के बहुत बड़े व्यापारी और हमारे बिजनेस पार्टनर। नमस्ते। ऐसे नहीं, गले मिलना पड़ेगा। नसीब वाले हो पार्टनर जो ऐसी हूर तुम्हारे हिस्से में आई। कब ला रहे हो इस परी को हमारे गरीब खाने की रौनक बनाने के लिए? इतनी बेचैनी क्यों दमन साहब? शादी हो जाने दीजिए, फिर आप अपना हक जमाइएगा। आखिर बहू है आपकी। बहू? रानी। किलबा मुल्तजा फरमाइए। किलबा मुल्गजा फरमाइए। वच रे, वो शायर लोग शेर फेंकने के पहले क्या बोलता है वो? क्या? ओ, किबला मुलायजा फरमाइए। वच वच। बको। हम तो गदा है, बक बक करना हमारा फितरत है, लेकिन पहलू ये ऊर में लंगूर खुदा की कुदरत है। चुप। पड़ गया। किधर जाता है रे? अंदर। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अरे दीवाना नहीं रे, सनम शमा और मैं परवाना। अंदर मत जाना, तुम हिल जाएगा, शमा को देख के जल जाएगा। अबे ओ बालचंदर, अफ्रीका के बंदर, अयो क्या मालूम क्या हुआ है अंदर ही अंदर? मेरा और सनम का प्यार हो गया है, शादी का इकरार हो गया है। चल ए, 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 अंदर मत जाना। तुम ये सब क्या है? जी मैं किशन हूँ। सावित्री का बेटा। सावित्री का बेटा यहाँ क्या करने आया? जी सनम ने मुझे बुलाया। सनम ने तुम्हें बुलाया? जी। सनम कामया, इस चोर के बेटे को तुमने बुलाया? यस डैड, आज आपकी बेटी की सगाई एक करोड़पति के साथ हुई है, क्या आप मेरा सबका नहीं उतारेंगे इन भिखारियों में बांटने के लिए? ये क्या कह रही हो सनम? तुम्हें तुम्हारी औकात बता रही हूँ। Come on, Dad, दे दो ने कुछ। Of course, नहीं सर, आज ये काम मुझे करना। शौक से। ये ले हमारी इज्जत का सदका और दफा हो जा। मैं यहाँ खैरात लेने नहीं, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। शराब। खबरदार जो मेरी मंगेतर को अपनी पत्नी कहा तो। मेयर साहब, कौन है ये बदतमीज? मैं बताती हूँ, बेगैरत नीच कमीना, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, ये सब के सब फ्रॉड है। अमीर लड़कियों को अपनी जान में फंसाकर उनसे शादी करना इनका पेशा है। इस चंडाल चौकड़ी को तो मैं सजा दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे हंटर ने अभी तक इसकी खोल नहीं खींची। तो तुमने मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया? मेरी मंगेतर पर हाथ उठाने वाले को मैं गोलियों से भून दूंगा। नहीं प्रदीप, ये मेरा शिकार है, इसे मैं सजा दूंगी। बांधो इस हरामजादे को। ले जाओ उसे, ले जाओ, बांधो उसे। बहुत गुस्ताखी की है तूने हमारी शान में, बहुत वार की है तूने हमारी इज्जत और शराफत पर। अब ये हंटर तेरे जिस्म पर उस वक्त तक लकीरें बनाता रहेगा जब तक तू सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर रहम की भीख नहीं मांगेगा। वाह, हाथ बंधे हैं वरना इस डायलॉग पर ताली जरूर मारता। लगता है आशिकों के इतिहास में आज एक नया अफसाना लिखा जाएगा। अफसाना नहीं, तेरी मौत की भयानक कहानी लिखी जाएगी। फिर तो ये एक बेमिसाल मौत होगी, क्योंकि रांझा और मजनू तो जमाने के हाथों मरे थे, मेरी मौत मेरी मोहब्बत के हाथों होगी। बस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
मांग का सिंदूर होगा और देखता हूं कौन रोकता है मेरा रास्ता। चल चल खूबसूरत मोरनी के धोखे में खतरनाक शेरनी को उठा लाया हूं। इसी धूल को तू अपने माथे का सिंदूर बनाएगी। बिखर के रख दूंगा तेरे घमंड और अहंकार को। अब तेरी तकदीर का फैसला सिर्फ मेरे हाथों में है कि तुझे अपने चरणों की दासी बनाकर रखूं या अपने दिल की मलिका। देने वाली वो सुनहरी चिड़िया पिंजरे से निकल कैसे गई? मैंने लाखों रुपया खर्च करके उस पिंजरे का एक एक तार छोड़ा था। तुम दोनों ने मेरे लाखों रुपए बर्बाद किए। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुझे एक मौका दो चमड़ा दादा, मैं वादा करता हूं उस सोने की चिड़िया को आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। लगता है तुम दोनों को जीने का एक मौका और मिल गया है। डैडी, डैडी, मैं प्रदीप से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। मेरा भी यही ख्याल है बेटे। सनम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जिस लड़की को उसका आशिक भरी महफिल से भगा कर ले गया हो, जिसे गायब हुए आज पूरे 3 दिन हो गए, आप क्या समझते हैं उस लड़की की इज्जत अब तक सलामत होगी? हरगिज नहीं। सनम साहब ठीक कहते बेटे। डैड, मैं सनम से प्यार करता हूँ। माना कि वो कमीना सनम को भगा के ले गया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सनम मर जाएगी पर अपने जिस्म पर उस कमीने की छाया भी पड़ने नहीं देगी। जवानी की नदी में बाढ़ आते हुए देर नहीं लगती बेटे। ना जाने अब तक वो उसके साथ कितनी बार मुंह काला कर चुका होगा। ऐसी दागदार लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। मुझे दमन साहब का रिश्ता मंजूर है। मैं पूछता हूँ आखिर क्या कमी है पूजा बेटी में, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है डैड, पर मैं सनम के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी बाप समझता हूँ। डैडी, ठीक है प्रदीप, एक बाप की गुजारिश तुमने ठुकरा दी है। अब एक बिजनेसमैन का फैसला सुन लो। मैंने आपके प्रोजेक्ट में जो 2 करोड़ रुपए लगाए हैं वो मुझे चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं दमन सेठ? हम अपना सारा रुपया प्रोजेक्ट में लगा चुके हैं और इतनी जल्दी इतनी रकम लंदन से नहीं आ सकती? वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा रुपया चाहिए। आपको आपकी रकम मिल जाएगी दमन सेठ, मिल जाएगी रकम आपको। आप? हाँ बेटे, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली है। मैं लौटाऊंगा आपके 2 करोड़ रुपए। नाज है बेटा मुझे तुम पर, नाज है। ठीक है, अगर आप इनकी गारंटी लेते हैं तो मुझे आपकी जबान पर भरोसा है। आओ बेटी। अंकल, सनम का कुछ पता चला? पता चल जाएगा बेटे। मैंने जगह जगह इश्तेहार छपवा दिए हैं कि जो भी सनम के बारे में कोई भी खबर देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो डोंट वरी। हाँ, सनम से शादी करेगा। तुम पैसा के लिए झूठा चाट रहे। झूठा? ये लो। ये क्या है? थू, चाटो। आह, ये मोहब्बत का सौदा बड़ा महंगा पड़ा। ना दौलत मिली ना दुल्हन, पेट भी खाली बेड भी खाली। लगता है सुहागरात आज फूलों के साथ मनानी होगी। हिला झाड़ को, गिरा फूल को, गुड नाइट पार्टनर।
अरे वाह, काटेगा बार मेरे कासिद, भेज दे मेरे लैला को, जा। वाह मेरे संगल सनम, पति से यही कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सबकी टांग तोड़ रही हो, ये बेचारे तो रजिस्टर्ड भिखारी हैं, और तुम रजिस्टर्ड मेयर की बेटी। छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ खाना, छोड़। अरे अगर हाथ फैलाना ही था ना तो चलकर उस देवी के सामने फैला, जिसकी तू बहू है वो तुझे खाना भी खिलाएगी और आशीर्वाद भी देगी। चल। मैं जहर खा लूंगी मगर तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगी। अरे कैसे नहीं खाएगी, तुझे खाना खाना भी पड़ेगा और पकाना भी पड़ेगा। क्या बाबा, जाकर बैठ जाइए। बाबा, क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मुझे? बेटे, मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल की चार दीवारियों के बीच गुजारी है, मुझे सिर्फ मेरी बदनसीबी ने देखा है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। ए, देख, बाबा ने तुझे आशीर्वाद दिया है, कितनी खुश नसीब है तू। अच्छा बाबा, चल। चुप है। 50 लाख की चोरी के इल्जाम में सजा भुगतने वाला
आज भी भिखारी की जिंदगी गुजार रहा है? नामुमकिन। तुम्हें इंसान में देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि कानून से बहुत बड़ी भूल हुई है। एक बेगुनाह को सजा दी गई और मुजरिम कोई और। ना इंसाफी का यह दाग हमेशा मेरी वर्दी मेरे समीर पर रहेगा। हाँ, आप अपने आप को क्यों दोषी ठहराते हैं साहब? वो तो कोई था जो अपने कर्मों की स्याही मेरे जिंदगी के पन्नों पर बिखेर गया। सुनो, तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मेरी मदद तो अब सिर्फ वो कर सकता है। तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं कमिश्नर की हैसियत से रायगढ़ ट्रांसफर हो चुका हूँ और खुशी की बात यह है कि तुम्हारा दोस्त शंकर दयाल। शंकर दयाल? हाँ, शंकर दयाल, जिसकी लड़की की शादी तुम्हारे बेटे के साथ हुई थी, आज की तारीख में वो इस शहर का मेयर है। मेयर? अच्छा, मैं चलता हूँ। हे भगवान, तूने मुझे मेरी मंजिल का रास्ता बता दिया। सुनो गांव वालों, इस लड़की को अगवा किया गया है। जो भी इस लड़की के बारे में जानकारी देगा या पता बताएगा, उसको 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जीते रहो बेटी। माँ देख, माँ चांद तेरे चौखट पर लेकर आयो, ये तेरी बहू है। बहू? मेरी बहू? बहू माय फुट। क्या कहा बेटी? अरे माँ, ये अंग्रेजी में कह रही है पायला गुमा जी। अच्छा अच्छा, जीती रहो बेटी। अरे अब तो जमीन पे आ जा मेरे संगदिल सनम। डैडी विल कम एंड किल यू। क्या हुआ बेटी? अरे माँ, ये कह रही है कि इनके डैडी बहुत सारा दहेज लेके आने वाले हैं। नहीं नहीं बेटे, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। रुको, मैं अभी आरती का सामान लेकर आती हूँ। What the bloody hell? Oh, very well, very well. If you make one more noise, I'll put you in the well. अरे नहीं नहीं दुल्हन, ये तनिक शर्माओ तो सही। माँ आ रही है, जाके पैर छू। Never. जीते रहो बेटी। चलो बेटी, ये सुहाग का जोड़ा कीमती तो नहीं, लेकिन इसके हर धागे में मेरे बेटे की खुशियां और एक मां के अरमान गुंथे हुए हैं। देखा कितने खूबसूरत लग रही हो तुम। इस घूंघट में अब इस घर की लाज है, इस पर कभी आंच नहीं आने देना। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको देखती हूँ। अरे बबुआ, बहू का मुंह दिखाने से पहले ही पर्दा कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। अरे मौसी, हमारे गांव की लड़कियों में क्या कीड़े पड़ गए थे जो शहर से बहू लानी पड़ गई? उसके कंधे पर क्या 4 साल लगे हैं? अरे जब तुम देखोगी तो तुम्हारा भी सर चकरा जाएगा। अरे वो बहू के रूप में देवी है मौसी, जरा हम भी दर्शन करें तुम्हारी देवी के। कहीं
करूंगी तुम्हारे अरमानों को, तुम्हारी खुशियों को, इस घर की इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले 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 मेरा। मैंने सोचा था कि माँ की परछाई तुम पर पड़ेगी तो तुम सुधर जाओगी, लेकिन गलत सोचा था। विधि के लिखने वाले विधाता, अगर तूने मेरे विधि का लेख ऐसे लिखा है तो मिटा दे उस लेख को। नहीं चाहिए मुझे ऐसा नसीब। मैं तकदीर की किताब के एक एक पन्ने को नोचकर फेंक दूंगा। नहीं चाहिए ऐसा नसीब, नहीं चाहिए। मैं तो सच बात कहूंगी चाहे किसी को बुरा लगे। जो लड़की शराब पीकर अपने पति की इज्जत उछाल सकत है, गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने नंगा नाच सकत है, कल वही लड़की अपनी गंदी और छछोरी हरकतों से हमारी बहू बेटियों को आवारा और बच्चलन बना सकत है। अरे मगर भगवान, चुप रहो जी। हम अपनी बहू बेटियों को उसकी वजह से आवारा और बच्चलन नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, बिमला बहन सच कहती है, किशन को अपनी पत्नी को गाँव से निकालना होगा। हम अपने मंदिर में किसी तवायफ को रहने नहीं देंगे, उसे गाँव से निकालना होगा। कल सूरज डूबने से पहले वो ये गांव छोड़कर जा चुकी होगी। सनम, सनम,
उठो बेटा। सनम, सनम उठ, सनम। माँ, मत छुओ उसे। बेटा, बेटा इसे तो बहुत तेज बुखार है, ये कांप रही है, ये मर जाएगी बेटा। मरती है तो मर जाने दो। क्या कहा? मर जाने दो अपनी बहू को? बहू, बहू तो घर की इज्जत होती है माँ, जो अपने घर के आन के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये इस घर की बहू तो क्या किसी भी घर की बहू नहीं बन सकती, ये सिर्फ हमारे चेहरे पे काली पड़ सकती है, नहीं हमें जलील और रुसवा कर सकती है। नहीं बेटा, कल जो हो गया सो हो गया। हाँ, कल रात ये अपने होश हवास में नहीं थी, उसे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, इसने पूरे इरादे के साथ जानबूझ कर हमारी इज्जत का तमाशा बनाया है। अरे नहीं, मेरा प्यार समझ सकी नहीं तेरे जज्बात। मैंने सोचा कि जब तेरी परछाई इस पर पड़ेगी तो ये सुधर जाएगी, लेकिन ये जानवर है और जानवर जब पागल हो जाता है तो उसे घर से निकाल देना चाहिए। चल माँ। नहीं बेटे, ये मत भूल कि ये किसी की बेटी है, किसी की अमानत है, इसे सजा देने का हमें कोई अधिकार नहीं है और हमें बेइज्जत करने का उसे पूरा अधिकार है। देख किशन, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये रात भर तेरी वजह से बारिश में भीगती रही, तड़पती रही है। तू ही इसका गुनहगार है और इसे ठीक करना तेरा फर्ज है। लेकिन माँ। देख किशन, अगर तेरी वजह से इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, याद रख, कभी माफ नहीं करूंगी। इसे इसकी सही हालत में लाना ही तेरे किए का प्रायश्चित है। रब मानी, दिल की है वादा करना, आप ही
बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। मैंने माँ को दिया वचन पूरा कर दिया है। अब तुम अपने पिताजी के घर जा सकती हो। अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, अपना ख्याल रखना। नहीं किशन, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं जाना नहीं चाहती। नहीं सनम, तुम मेरी मुन्नी नहीं बन सकती। तुम तो एक संगदिल सनम हो जिसके सीने में तेली नहीं। मैं इतना जानता हूं, मेरा रिश्ता तो एक गरीब मुन्नी के साथ था जो टूट गया, खो गया। तुम मेरी मुन्नी नहीं बन सकती। तुम तो एक संगदिल सनम हो, संगदिल सनम हो। अब बताओ मेरी बेटी कहाँ है? गंगापुर में है सरकार, सावित्री और किशन के घर में। अरे माँ बेटे ने तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। फूलों में पलने वाली शहजादी बेचारी कांटों के ढेर में पड़ी है। मैं अब उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिथड़े उड़ा दूंगा उस हरामजादे के। मेरी बंदूक कहाँ है? कहाँ मेरी बंदूक? तेरी बंदूक के निशाने पर आज तकदीर ने तुझे मेरा निशाना बना दिया। कभी ने परसों पहले मेरी बदनसीबी का लेख तूने लिखा था, लेकिन आज गोलियों की बौछार से तेरा अंत मैं करूंगा। ये क्या करा मेरे दोस्त? फूंकता मैं तेरी दोस्ती पर कमीने। बैंक डकैती तूने की और उसकी सजा मैं भुगतता। तू मुझे मेरी गलत समझता कैलाश। मेरी बीवी और बच्चा दर दर की ठोकरें खाते रहे। तेरी बीवी को विधवा और मेरे बच्चे को अनाथ बना दिया तूने। तेरे कर्मों की सजा मौत के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। देख 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 कैलाश, तुझे नहीं मालूम कि तू किसके छत के नीचे खड़ा है? मैं इसी छत के नीचे तेरी समाधि बनाऊंगा और तेरे कंधे खून से तेरे काले कारनामे लिखूंगा। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे आज इनकी असलियत का पता चला। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि आप जिंदा हैं। मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं भाई साहब, ये आपके गुनहगार सही, मगर मेरे माथे का सिंदूर है। मैं आपसे अपनी सुहाग की भीख मांगती हूँ। इन्हें माफ कर दीजिए भाई साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। हजा, मैं ये अनाथ नहीं होने दूंगी। हाँ मेयर साहब, आपको इसके खून से हाथ रंगने की क्या जरूरत है? इस सांप को मैं संभालता हूँ। आप उस सपोले से निपटिए जो मेरी सनम पर अपने दांत गड़ाए बैठा है। ठीक है, अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं सारे गाँव को जला के राख कर दूंगा। बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना तेरी चीख तेरी जिंदगी की आखिरी चीख होगी। आप कुछ भी कर लो भाई साहब, अब मौत ही उन दोनों को जुदा कर सकती है। मैं इस गांव में लाशों के ढेर लगा दूंगा, चलता हुआ शमशान बना दूंगा इस गांव को। अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इंस्पेक्टर। यस सर। ये माँ सनम। डैडी आप यहाँ? अरे ये क्या हाल बना लिया है तुमने? सोने चांदी के महलों में रहने वाली राजकुमारी इस गरीबी के दलदल में। डैडी, जो सुख मुझे सोने की दीवारों में नहीं मिला, वो सुख मुझे मिट्टी की इन चार दीवारी में मिल गया है। ये मिट्टी के घर नहीं है बेटी, जहरीले सांपों के पिल हैं ये। दस लेंगे तेरी जिंदगी और मेरी इज्जत को। ये वो हरामजादा हाँ। जिसने मेरी बेटी को अगवा किया। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। डैडी रोक लीजिए। यू आर अंडर अरेस्ट। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, मैं एक बालिग लड़की हूँ, अपनी खुशी और मर्जी के साथ यहाँ आई हूँ। अंडर सेक्शन 366 आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, लड़की बालिग हो या नाबालिग, तुम इसे गिरफ्तार करो। यस सर। इंस्पेक्टर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 41 के तहत आप बगैर अरेस्ट वारंट के इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। शी इज राइट सर। तुम इसे गिरफ्तार करो, जो होगा मैं देख लूंगा। इंस्पेक्टर, कानूनी वर्दी पहनकर खुद कानून को तोड़ना अंडर सेक्शन 166 के तहत एक ऐसा जुर्म है जिसे आपकी वर्दी भी उतर सकती है। सर, शी इज राइट। ये क्या बकवास लगा रखी तुमने? अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त इसी इंस्पेक्टर के हाथों आपको गिरफ्तार करा सकती हूँ। डैडी, गिरफ्तार मुझे? जी हाँ, इससे पहले कि मेरे घर में बगैर इजाजत के दाखिल होने के जुर्म में आपको गिरफ्तार कराऊं, निकल जाइए यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। कम ऑन इंस्पेक्टर।
याद रखना, बहुत अपमान किया है तुमने मेरा। मेरे खून का हर कतरा मेरी रगों में तेजाब बन के चल रहा है। ऐसी आग भड़केगी कि इस घर में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। मां, लगता है सालों बाद मुझे मेरी मुन्नी वापस मिल गई है। मुन्नी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन ये सीता इस घर के आंगन से कदम बाहर रखेगी, ये रावण उसका हरण कर लेगा। संदिल सनम, संदिल सनम, कहां हो
आपने मुझे बेटी कह के सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया था? हाँ बेटी, मगर आज तकदीर ने मेरे हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तक नहीं दे सकता। वजह? वजह मैं बताता हूँ। तुम यहाँ? हाँ, इस बुढ़े को तुमसे मिलाने लाया हूँ क्योंकि ये किशन का बाप है। आप किशन के पिताजी हैं? हाँ बेटी। तो फिर माँ जी, वो विधवा का लिवास? वो बुढ़िया यही समझती रही कि उसका सुहाग मर चुका है, जबकि 12 साल पहले बैंक डकैती तुम्हारे बाप ने की थी और उम्र भर जेल की चक्की ये पीसता रहा। क्या ये सच है? बताइए बाबूजी। हाँ बेटी, यही हकीकत है। और अब इसकी सांसों पे हमारा पहरा है। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। पैर नहीं जाने मन, हाथ थामना होगा हाथ, वरना। नहीं बेटी नहीं, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तू इस भेड़िए की बात। बाबूजी, छोड़ दो इन्हें। तुम्हारी एक चीख इस घर के आंगन में उस बुढ़े की लाश गिरा सकती है, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मान गए जाने मन, क्या खूब नाटक रचाया तुमने। अपने बाप को बेइज्जत करके किशन का प्यार और विश्वास तो जीत लिया, लेकिन डार्लिंग जरा अपने इस आशिक के बारे में भी तो सोचो जिसे इस खूबसूरत जिस्म की आदत पड़ चुकी है। अपनी चंद रातों को हमारे नाम कर दो। मैं चाहूं तो तेरे हर घूंसे का जवाब दे सकता हूं, लेकिन। अबे लेकिन क्या? सच्चाई सुनना चाहता है वो देख। तुम्हारे चरणों की दासी बनने से पहले हमारे दिल की मलिका थी। अबे झूठ बोलता है। पूछ इससे, क्या विलायत में इसने हमारे साथ रंगरलिया नहीं मनाई थी? क्या इसने मेरी शादी के साथ फेरे पर तेरी चिता जलाने की कसम नहीं खाई थी? क्या इसके पेट पे पलने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं? पूछ इससे। पूछ। मैं जा रहा हूं, इस चौखट के बाहर मैं सिर्फ तुम्हारा 2 मिनट इंतजार करूंगा। याद रहे, तुम्हारे इस फैसले से किसी की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। सनम, मैं जानता हूं तुम मेरे प्यार और विश्वास का खून नहीं कर सकती। सनम, एक अजनबी के लगाए हुए इल्जाम से मैं तेरी पवित्रता पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं कि सच क्या है। बेटी, बेटी तेरी खामोशी तुझे गुनहगार ठहरा सकती है, तो क्या मैं समझ लूं कि तूने वाकई हमारे साथ विश्वासघात किया है? तो मैं ये मान लूं कि तेरे उसके साथ नाजायज ताल्लुकात है? क्या ये सच है कि तू उसके होने वाले बच्चे की मां है? बोल, जवाब दे। मुझे माफ कर दो माँ जी, यही तेरा असली रूप था तो क्या जरूरत थी अपने बाप के सामने पवित्रता का ढोंग रचाने की? क्यों आई थी मेरे बेटे की जिंदगी में इस पाप का जहर घोलने? तूने तो फरेब की तलवार से एक माँ के विश्वास का और पति के सम्मान का खून किया है। तुझे इस घर की छत के नीचे रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। आज आपका ये रूप देख लिया, मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। डर निकल जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। Cheers.
दाद देता हूं तुम्हारे दिमाग की। जो कुछ भी मैंने खोया था वो तुमने मुझे वापस ला कर दे दिया। मेरी बेटी और तुम जैसा दामाद, जानते हो इस महीने की 25 तारीख को मैंने तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाया है। बियर साहब, मेरे 2 करोड़ का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चमड़े की जबान की वजह से मुझे अपने चमड़े का कारोबार नीलाम करना पड़े। कोई नीलाम विलाम करने की जरूरत नहीं। आपसे जो 2 करोड़ रुपए मेरे दामाद ने बिजनेस के लिए लिए थे वो आपको शादी के दिन मिल जाएंगे। अयो क्या चलता है जी, चौकरी देता है पैसा लेता है, पैसा देता है चौकरी लेता है। ऐसा धंधा करने वालों को हमारे साउथ में बोलता है मंडवा। मंडवा नहीं समझा, हिंदी में उसको बोलता है बड़वा। ए स्वामी शराब, हम तो बोलेंगा जी, आज हम चुप रहेंगे कि नहीं, आज हमारा लास्ट डे है। चुप बे चपड़गंजू। ए किसको चपड़गंजू बोलता है? मेरे को चपड़गंजू बोलता है? अरे मैं तो आधा गंजा है, तू तो पूरा नंगा है। सर हाँ, कुछ नहीं, मेरे को सब रावण लगता है। ए आप छोड़ के ये बढ़ गया। ये क्या विधवाओं जैसा लिबास पहन रखा है? जिस लड़की की शादी होने वाली होती है वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। तुम नहीं जानती, खून के वो कतरे जो मेरी रगों में तेजाब बन के जल रहे थे वो आग अब बुझ चुकी है। लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी जल रही है। तुम्हारा भला बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ डैडी कि अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, आप किशन के पिताजी को जाने दीजिए प्लीज। वो बुढ़ा तो मेरी ढाल है ढाल, जब तक तुम्हारी शादी के साथ फेरे नहीं हो जाते मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी बेटी की शादी की नहीं उसकी चिता की तैयारी कर रहे हैं। यू जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। तुम नहीं जानते ये प्रदीप कितना होनहार, कितना अकलमंद, कितना दौलतमंद है। अय्या दौलतमंद नहीं है जी, बाप फकीर चंद तो बेटा उदार चंद। इसके आंख में लाली, मुंह में गाली और कान में बाली, ऐसा फैमिली को हमारे साउथ में क्या बोलता है? बक्का फैमिली। बक्का फैमिली नहीं समझा, हिंदी में बोलता है छक्का फैमिली। ए बालचंद बहुत हो गया, लास्ट डे जी, हम बोलेंगा चुप नहीं रहेंगे। गेट आउट। मैं जिंदगी भर आपकी जिद और फैसलों के सामने सर झुकाती रही लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। कहना क्या चाहती हो तुम? अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुनो सुनो, आज तू मेरे पंजे में है, कल तू मेरी बाहों में होगी। लेकिन मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम किशन का हो चुका है। तुम जिस सनम से शादी करने जा रहे हो अब तो वो एक चलती फिरती जिंदा लाश है। ठीक है तो मैं किशन की ही लाश गिरा दूंगा, मैं उस हरामजादे को खत्म कर दूंगा, उसकी पीठ पे वार करूंगा। तू पिच्चू से वार करेगा? पिच्चू से वार करने वाले लोगों को हमारे साउथ में क्या बोलता है? जांडू। जांडू नहीं समझा, हिंदी में बोलता है डू। शट अप, लास्ट डे है उनका, अपन बोलेगा चुप नहीं रहेगा। भड़क गया। चाहता है वो देख, तुम्हारे चरणों की दासी बनने से पहले हमारे दिल की मलिका थी। अबे झूठ बोलता है। पूछ इससे, क्या विलायत में इसने हमारे साथ रंग रलिया नहीं मनाई थी? क्या इसने मेरी शादी के साथ फेरे पर तेरी चिता जलाने की कसम नहीं खाई थी? क्या इसके पेट पे पलने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं?
मुझे अफसोस है बहन जी, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा मत कहिए, ये मेरे बुढ़ापे का एक ही तो सहारा है। कुछ तो कीजिए वैद्य जी, कुछ तो कीजिए। मेरी दवाइयों का कुछ असर होने वाला है, अब तो भगवान का ही भरोसा है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। तुम क्या देखने आई हो तुम, कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया? ये क्या कह रही हूँ सावित्री, किशन की सासी ही तो मेरी बेटी की जिंदगी है। तुम्हारी सनम इस घर का सबसे बड़ा गम है। उसने हम माँ बेटे की हस्ती खेलती जिंदगी में एक आग लगा दी है, ऐसी आग जो मेरे बेटे के मर जाने के बाद ही शायद खत्म होगी। देखो क्या हाल बना रखा है मेरे बेटे का, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी सनम है, सिर्फ सनम।
सनम। नहीं, मैं तुम्हें आज सच बताने आई हूँ। तुम्हारा पति जिंदा है। तुम्हारे ही सुहाग की खातिर सनम ने अपना सुहाग त्याग दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? घर की लक्ष्मी को पुलटा का नाम देकर घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया। ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा। आप जिंदा है, आप जिंदा है, आप जिंदा है। किशन, किशन, किशन उठ, किशन आंखें खोल बेटे, किशन उठ। देख, देख, अगर आज तू आंखें नहीं खोलेगा तो कई जिंदगी मौत के गोद में सो जाएगी। उठ किशन उठ, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? उठ, आंखें खोल बेटे। देख, देख, तेरे दिल की हर धड़कन पर, तेरे खून के हर कतरे पर इस माँ की ममता का कर्ज है, और ये कर्ज आज तुझे चुकाना होगा। किशन उठ, किशन आंखें खोल, किशन। पिताजी जिंदा हैं? हाँ बेटे, मैं तुझे सब बताती हूँ। नहीं किशन, मेरी बेटी को बचा लो। हाँ किशन, वो सोने का लंका में नरक का आग जल रहा है, हर तरफ रावण ही रावण है। बचा लो अपने सनम को, बचा लो। तो हटा ले मेरे सर से अपनी ममता का आचरण। आज खेलने दे मुझे ये आग और खून की होली। मैं तेरे सुहाग को वापस लाऊंगा मां, मैं तेरी बहू को वापस लाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे। पियर साहब, कन्यादान से पहले हमारा कल्याण नहीं करेंगे। मैं अपनी जबान का बहुत पक्का आदमी हूं, मैन ऑफ माय वर्ड्स। आइए मेरे साथ। ये रहे आपके 2 करोड़ रुपए, गिन लीजिए। इसे गिनकर मैं आपकी ईमानदारी का अपमान नहीं करूंगा। थैंक यू। हेलो बिंदु बेटी। हेलो, ही इज माय डैड, पुलिस कमिश्नर। मुबारक हो मेयर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो 1 महीने की छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने लगा था। हमारी बेटी ने जिद की कि उसकी सहेली की शादी अटेंड करनी पड़ेगी, सो बस बधाई देने चला आया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। दामाद जी कहाँ हैं? जी हाँ, वो रहे। मेयर साहब, ये आदमी तो 1 नंबर का फ्रॉड है। ये क्या कह रहे हैं आप? सजाए आफ्ताब मुजरिम। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, देवर भी समर्थन स्टैंडिंग है तो अब। नहीं मेयर साहब, ये ऊंचे घराने की लड़कियों को फंसाकर उन्हें गुमराह करके कोठों पर बिठाते। व्हाट? चमड़ा दादा, तुम यहाँ? आपका खादिम, आपका गुलाम। मेयर साहब, ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। शहर के हर चौराहे पर इनके रंडिखाने हैं, और ये शहर के मशहूर भड़वे, दर्जनों बार जेल जा चुके हैं, कमीने और खबीज इंसान है ये। तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक गलती आप कर गए कमिश्नर साहब। हमारी कलाई खोलकर
अपनी सांसें बंद करवाने का इंतजाम कर लिया। बंद करो ये शादी। तुम जाओ। तू यहाँ कैसे? 12 साल जेल की चक्की पीसते पीसते ये हाथ इतने सख्त हो चुके हैं कि तुम जैसे भड़ुओं के प्यादों की गर्दन तो आराम से तोड़ सकते हैं। तोड़ दो मेरी बहू को, मैं तो एक-एक की लाश बिछा दूंगा। भाई मान गए तेरी दोस्ती को। इस मेयर ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी और तू इसी की खातिर अपनी जान पे खेलने चला आया? या फिर दोस्ती का कोई नया इतिहास लिखना है? तो दुश्मनों के हाथों मरने से कहीं बेहतर है एक दोस्त की खातिर शहीद हो जाना। मेरे शरीर में जब तक सांसें हैं तो मेरी बहू को कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक कहता है ये, ठीक कहता है। मैं जिंदगी भर तुझ पे जुल्म करता रहा और तू मुझे माफ करते। तुम दोनों मिलकर गिले शिकवे दूर करते रहो, हम इस खदाने को लिए जाते हैं। बेटा नहीं आना इनकी बातों में, नहीं जाना इनके साथ। मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। नहीं, हर रात एक नए मर्द का बिस्तर सजाऊंगी, एक बाजारी वेश्या बनकर। यही आपके किए की सजा होगी डैडी। मुझे किशन से अलग करने का हर्जाना। मुबारक हो चमड़ा दादा, आज ये बाजी हमने जीत ली। आज दोनों खजाने हमारे पास हैं, एक दौलत का, दूसरा चमड़े का।
प्यार